अगर आपके नाखून की साइड में ऐसे खाल उखड़ जाती है तो आप में से ज्यादातर लोग इस खाल को खींच कर उखाड़ देते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्यों? देखिए, अगर आप इसे छीलते हैं तो ये बहुत दूर तक छीलता है, जिससे आपका जख्म ओपन हो जाता है और इससे आपकी उंगलियों में इन्फेक्शन होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसीलिए आपको इसे उखाड़ना नहीं चाहिए, बल्कि आपको इसे नेल कटर से कट कर देना चाहिए और इसके ऊपर से आपको बैंडेज लगा लेना चाहिए। वैसे आपने कभी ये दर्द फील किया है कि नहीं? नंबर 9, ऐसे हाइड्रोफोबिक फर्नीचर काफी काम के हो सकते हैं उन लोगों के लिए जिन्हें कपड़े और घर साफ करने में दिल नहीं लगता, क्योंकि ये फर्नीचर को गंदा नहीं होने देते और इन पर कुछ भी गिरा तो वो फिसल कर नीचे गिर जाते हैं। और अगर गंदगी खुद ब खुद ना निकल जाए तो एक नॉर्मल कपड़ा लेना और साफ कर देना, वह अपने आप साफ हो जाएगा। नंबर 8, अगर कभी गलती से ऐसे रेड क्रिस्टल के गट्ठर मिल जाए तो उसे छोड़ने की गलती कभी मत करना, क्योंकि ये आपको रातों रात करोड़पति बना सकती है। ये क्रिस्टल ऊपर से व्हाइट होता है, जिसे लोग फालतू की चीज समझ लेते हैं, लेकिन अगर आप इसे ऊपर से काटोगे तो अंदर से रेड करके चमकीली चीज देखने को मिलेंगे, जिसे ये लोग हथौड़े और कटर की मदद से सर्कल के शेप में बना देते हैं। नंबर 7, इस बंदे का जॉब बड़ा ही यूनिक है। ये बंदा हर रोज ऐसे रनवे पर खड़ा होता है और उसके हाथों में ये दो इंडिकेटर वाले लाइट होते हैं और इस बंदे का काम प्लेन को पार्क करने के लिए गाइड करना होता है। पर ये काम देखने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान नहीं होता। प्लेन को पार्क करने के लिए सबसे पहले सेफ्टी व्हीकल आती है, उसके पीछे प्लेन आता है और प्लेन को येलो लाइन पर पार्क करने के लिए ये बंदा सिग्नल्स देता है। प्लेन को अगर लेफ्ट साइड ले जाना हो तो ये लेफ्ट वाले हाथ को हिलाता है, और अगर राइट लेना हो तो ये राइट हैंड को हिलाता है, और इस तरह प्लेन को पार्क कर दिया जाता है। नंबर 6, अगर कोई मुझे 1 करोड़ भी दे तो भी मैं ये ना करूं जो कि इस बंदे ने किया, तो ये है तुर्की का एलम, जिसने पैसे के लिए चैलेंज लिया है, जिसमें वो 2 रस्सी को पकड़ लेता है जो दोनों रस्सी 2 सेलबोट से अटैच है, और अब ये बोट एक दूसरे से दूर जा रहा है। अब देखना ये है कि ये बंदा कितने देर इस रस्सी को पकड़ सकता है, क्योंकि जितना देर ये रस्सी को पकड़ेगा उतना ज्यादा इनाम मिलेगा। और जैसा कि आप देख सकते हो, ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, पर फिर भी इसने 2.5 मिनट तक इस रस्सी को पकड़ के रखा। नंबर 5, ये चाइना और पूरी दुनिया का सबसे यूनिक और टैलेंटेड डांसर साइन कसुगामा है, जिसके जैसा डांस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये डांस करने के लिए अपनी गर्दन को बड़े ही यूनिक तरीके से घुमाना स्टार्ट करते हैं। जब ये डांस करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई रोबोट हो। इनके इस डांस को देखकर कई लोग इनके जैसा डांस करने की कोशिश करते हैं, बट फेल हो जाते हैं। कसुगामा पूरी दुनिया में इकलौते शख्स है जो इस तरह के डांस को कर पाते हैं। नंबर 4, युद्ध होने पर लोगों को छुपाने के लिए स्विट्जरलैंड के पहाड़ों में ऐसे बंकर बनाए गए हैं जिसके अंदर जाकर देश की जनता अपनी जान बचा सकती है, क्योंकि इसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक का भी कोई असर नहीं होता, लेकिन ये बंकर सिर्फ World War II के टाइम के लिए बनाए गए थे। अब इनको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। नंबर 3, ये है इथियोपिया कंट्री के सुरी जनजाति की महिलाएं। ये देखने में भले ही काफी अजीब लगे, लेकिन इथियोपिया की इन महिलाओं द्वारा होठों पर प्लेट लगवाना आम बात है। जनजाति में इस तरह की प्लेट लगवाना सुंदरता की निशानी मानी जाती है। जनजाति की अनोखी प्रथा के अनुसार लड़कियों के थोड़े बड़े होते ही लिप्स काट कर होल बना दिया जाता है, के बाद उनके होठ में सख्त मिट्टी की प्लेट लगा दी जाती है। समय के साथ साथ प्लेट का साइज भी बढ़ा दिया जाता है ताकि उनके होंठ और बड़े हो जाएं और वह पहले से और ज्यादा सुंदर दिखे। यहाँ उन औरतों को सुंदर माना जाता है जिनके होंठ सबसे ज्यादा लंबे होते हैं। नंबर 2, अगर ये चीज इंडिया में आ गई तो आपके लाखों रुपए बचेंगे, क्योंकि आप इसकी मदद से रोड्स के, दीवार के, फ्लोर के, छत के कहीं के भी क्रैक को रिपेयर कर सकते हो। इसका नाम है लेटेक्स सिंथेटिक रबर, और इसको आपको कहीं पर भी स्प्रे करके इसके ऊपर से सैंड को डालकर इसको दोबारा से स्प्रे करना होता है, और ये कुछ ही सेकंड में पत्थर जैसा मजबूत और वाटरप्रूफ भी बन जाता है। नंबर 1, अगर ये कुत्ता ना होता तो ना जाने कितने लोग मर जाते। ये कुत्ता पिछले 5 सालों से रेलवे स्टेशन पे लोगों को बचा, या ये कहो कि नौकरी कर रहा है। दरअसल जो भी यात्री डिब्बे से बाहर लटका या सीढ़ी पर बैठा रहता है, तो ये डॉगी उन यात्रियों को सबक सिखाने के लिए उनके पीछे दौड़ता और भोंकता है ताकि सभी यात्री सुरक्षित रहे। पर इसके लिए डॉगी को 1 रुपया भी नहीं मिलता। चलो, इस प्यारे डॉगी के लिए 1 लाइक तो बनता है।